तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देखो, मेरा फ्री फायर का आईडी यहाँ पे अनबैन हो चुका है जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। जैसे मैं फ्री फायर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे टैप टू स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। यानी गाइस आप लोग बोल सकते हो कि अब हम लोग का फ्री फायर का जो आईडी है वो अनबैन हो जाएगा। तो गाइस देखो जिस टाइप से मैंने अपने अकाउंट को अनबैन करा लिया है तो गाइस आप में से काफी सारे लोगों का भी आईडी यहाँ पे बैन होगा। तो गाइस आप लोग भी अनबैन कराना चाहते हो लेकिन आप लोग नहीं करा पाते हो, आप लोग कितना भी जगह जाते हो और काफी सारे लोगों से हेल्प मांगते हो बट आपका कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो अंदर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट 100% यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। नहीं गाइस आपको किसी को आईडी देना है, नहीं किसी को आपका आईडी पास देना है, ठीक है। बस आप लोग को जो मैं तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना, देन आपका आईडी 100% यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। लेकिन गाइस उससे पहले इतने बड़े चैनल पे नहीं है फिर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिस मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बता दें कि इस टैप से आप लोग अपने फ्री फायर अकाउंट को अनबैन करा पाओगे। सो गाइस देखो फ्री फायर अकाउंट को अनबैन कराने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने फोन के अंदर कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना। मेरे पास यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है तो मैं क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे गाइस आप लोग क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करोगे आप लोग को यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गेम्स कंसोल। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे गेम्स कंसोल तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और लेकिन गाइस देखो आप लोग को वेबसाइट तभी आएगा जो मैंने स्पेलिंग सर्च किया, आप लोग ध्यान से यहाँ पे स्पेलिंग मिलाओ, जो भी स्पेलिंग मैंने सर्च किया है बिना स्पेस दिए आपको सेम टू सेम आपको सर्च करना है तभी आप लोग को ये वाला जो वेबसाइट देख रहे हो ये वेबसाइट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सर्च करने वेबसाइट नहीं आता है तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया, सिंपल सा आपको लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ स्टेप्स एंड फिर आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपको मिलेगा एक BIT लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग BIT लिंक पे क्लिक करोगे सेम उसी वाले पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको फर्स्ट में वो वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोग को वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। स्टेप से गाइस इंटरफेस आएगा तो गाइस आप लोग को क्या करना है, ऊपर में गाइस आप लोग को एक एड शो होगा, बस आप लोग को ऊपर में जो देखने को मिल रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग के सामने वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है बैक करना है। बैक करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आप लोग को सर्च करना है क्या फ्री फायर आईडी अनबैन, बस आप लोग को ये लिख के सर्च करना है। तो फ्री फायर और यहाँ पे आईडी लिख के जैसे सर्च करोगे तो आप लोग को यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट या फिर सेकंड में आपको एक पोस्ट मिलेगा फ्री फायर आईडी अनबैन लेके, इस वाले पोस्ट को क्लिक करना है। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे के साइड चले जाना है, ठीक है। आपको सबसे नीचे के साइड चले जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जाना है। आप लोग को सबसे नीचे गाइस यहाँ पे मिलेगा बैन अप्रूवल डिस्कशन, ठीक है। आप लोग को नीचे मिलेगा डाउनलोड का बटन, बस आप लोग को इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग को यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा और गाइस आप लोग यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट कर लेना है। और गाइस देखो 30 सेकंड वेट करने के बाद गाइस आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे गाइस आप लोग को मिलेगा बैन अप्रूवल डिस्कशन, ठीक है। उसी डिस्कशन का यहाँ पे काम है तो क्या करना है आपको, जो पेज खुलेगा, पेज खुलते गाइस आप लोग के सामने कुछ यहाँ पे इस टाइप से पोस्ट मतलब ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बैन अप्रूवल डिसीजन, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना आप लोग क्या करना है हेलो से लेके थैंक यू तक आप लोग को नीचे से लेके ऊपर तक पूरा यहाँ पे क्या करना कॉपी कर लेना है। तो ठीक है यहाँ पे मैं पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को एक स्टेप बैक करना है, बैक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा वेबसाइट लिंक और नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा जो ठीक है वेबसाइट लिंक और क्लिक हियर का ऑप्शन, बस आप लोग क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ स्टेप्स में फिर आ जाएगा जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को देखो एक साइड में देखो मिल जाएगा यहाँ पे साइनिंग का बटन, बस आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। साइनिंग वाले बटन पे क्लिक करते हैं गाइस आप लोग के सामने कुछ स्टेप्स में फिर आ जाएगा जहाँ पे गाइस आप लोग को फेसबुक ट्विटर एंड बहुत सारा चीज देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी अकाउंट जिससे भी बैन है आप लोग को वहाँ से लॉग इन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे जीमेल से मतलब बैन हुआ है तो मैं जीमेल को यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल अकाउंट को मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। गूगल अकाउंट लॉग इन करने के बाद गाइस आप लोग के अकाउंट के अंदर जो भी नाम होगा ना वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा, बस आपको नाम पे टच करना है और यहाँ पे मिलेगा एक सबमिट अ रिक्वेस्ट का ऑप्शन, बस आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे गाइस आप लोग को क्या करना है बैन अप्रूवल को सिलेक्ट करना है। देन आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन शॉट वगैरह यहाँ पे जो टिक लगाने के लिए बोलेगा आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, इसमें भी टिक लगाना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिलेगा जो आप लोगों ने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे डाल देना है। देन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक यूर आईडी का ऑप्शन और वहाँ पे क्या करना है उस यूर आईडी को यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे आपको अपना जो आईडी
आईडी है उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। आईडी डालने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है वो जो आप लोग फ्री फायर को ओपन करते हो और यहाँ पे जो बैन लिख के आता है, सस्पेंड लिख के आता है, वो सब कुछ यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। बस गाइस आप लोग को इतना ही काम करना है। ये करने के बाद क्या होगा कि ये जो मैसेज आप लोग को भेजोगे वो गैना के पास चले जाएगा और गैना आप लोग को बताएगा कि आपका आईडी मैंने बैन क्यों किया है, कौन सा रीजन से किया है, उधर से गाइस आप लोग को वो बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस उधर से जो भी मेल आएगा आप लोगों को, आप लोग क्या करना है वो मेल मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, ठीक है। लेकिन हाँ गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पे आओगे मेरे को मैसेज करोगे तो प्लीज गाइस आप लोग कोई बंदा डायमंड मत मांगना, ना ही कुछ मांगना, ठीक है। बस आप लोग मेरे को जो भी उधर से मैसेज आएगा वो मेरे को सेंड कर देना, उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूं कि उसके बाद क्या करना है तो आप लोग कमेंट कर देना, लेकिन जितना मैंने आपको पहले बताया उतना आप लोग पहले करो, उसके बाद गाइस आप लोग मेरे को मतलब पूछना बाकी, ठीक है। बाकी जितना भी था सब कुछ मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बता दिया। इसी टाइप से गाइस आप लोग अपने अकाउंट को बन बैन करा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने कोई हैक वगैरह नहीं लगाया होगा, अगर आप लोगों ने छोटा मोटा कुछ किया होगा, जैसे कि बोल सकते हो कई हैकर के साथ खेला होगा, या फिर बोल सकते हो कोई ग्लिच फाइल यूज किया होगा जिससे आप लोग ड्रेस वगैरह चेंज करते हो, वो अगर ऐसा वो सब कुछ किया होगा तो गाइस आपका आईडी 100% यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। बस आप लोग को जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करो, देन आपका आईडी अनबैन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलो गाइस आज की इस वीडियो अंदर बचना था। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने बंदे देख रहे हो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, देख लिए, बाय बाय, चेंज वंदे मातरम।